18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस पर कई तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इन्हीं सब मामलों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि संसद के दोनों सदनों में नया ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। मामले से परिचित लोकसभा के अधिकारियों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर और बाहर के कर्मचारी अगले सप्ताह नए संसद भवन में जाते समय नई वर्दी पहनेंगे। अधिकारी के मुताबिक नई वर्दी में दोनों सदनों के मार्शलों के सिर पर मणिपुरी टोपी देखने को मिलेगी, जबकि टेबल ऑफिस, नोटिस कार्यालय और संसदीय रिपोर्टिंग अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों के लिए कमल की आकृति वाली शर्ट तैयार की गई है। अधिकारी ने कहा कि सभी महिला अधिकारियों को नई डिजाइन वाली साड़ियां भी दी जाएंगी। बता दें कि नई संसद भवन में राज्यसभा के कालीनों को भी कमल की आकृति से सजाया गया है। निश्चित रूप से कमल भारत का राष्ट्र फूल है, लेकिन ये प्रस्ताव राजनीतिक विवाद को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि ये केंद्र का सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। अधिकारियों के मुताबिक सभी 18 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट से नए यूनिफॉर्म के डिजाइन का प्रस्ताव सुझाने को कहा गया था। एक अधिकारी ने कहा, एक विशेषज्ञ समिति ने उन प्रस्तावों में से नई वर्दी को अंतिम रूप दिया है, तो दूसरे अधिकारी ने कहा है कि संसद सचिवालय की सभी 5 प्रमुख शाखाओं जिसमें रिपोर्टिंग, टेबल कार्यालय, नोटिस कार्यालय, विधायी शाखा और सुरक्षा विभाग के अधिकारी जिसमें मार्शल भी शामिल हैं, इस सत्र में नई वर्दी पहनेंगे। उन्होंने बताया ये शाखाएं सांसदों और अन्य आगंतुकों से जुड़े मामले देखते हैं। कई मायनों में वे संसद सचिवालय का चेहरा होते हैं और उनकी वर्दी भारतीय संसद की गरिमा और शोभा बढ़ाती है। मार्शल अध्यक्ष के आसन के पास खड़े रहते हैं और रोजाना के कार्य में पीठासीन अधिकारियों को सहायता करते हैं। नई ड्रेस कोड के मुताबिक मार्शल अब सफारी सूट के बजाय क्रीम रंग का कुर्ता पैजामा पहनेंगे और उनके सिर पर पगड़ी की जगह मणिपुरी टोपी भी होगी। 5 विभागों के अधिकारी भी हल्का नीला सफारी सूट त्याग देंगे और उसकी जगह कमल की आकृति वाली पोर्ट बटन डाउन शर्ट पहनेंगे। इसके अलावा वो क्रीम रंग की जैकेट और हल्के सफेद पैंट पहनेंगे। ये मौजूदा नीले, फॉन और चारकोल रंग की सफारी सूट की हटकर विभागों के अनुसार एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। आपको बता दें कि टेबल कार्यालय सदन के लिए कागजी कार्यवाही की पूरी श्रृंखला को संभालता है और प्रश्नकाल के लिए प्रश्नों को क्रमबद्ध भी करता है। एक आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता वाली संसद सुरक्षा शाखा परिसर की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सरकार ने परिसर की बाहरी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया है। रिपोर्टिंग शाखा, जो अध्यक्ष की कुर्सी के सामने वेल में बैठती है, सदन और संसदीय समितियों के अंदर सभी चर्चाओं को शब्दतः नोट करती है। विधान शाखा विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करती है। साल 2000 में इन 5 अनुभागों के संसद अधिकारियों को वर्दी खरीदने के लिए भत्ता मंजूर किया गया था। आपको बता दें कि हर एक 2 साल के लिए महिलाओं को 17,000 रुपए और पुरुषों को 16,000 तक का भत्ता देय था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।